बड़ी खबर, अमेरिका के वर्जीनिया से एक वीडियो सामने आया है जहां एक आरोपी को पुलिस मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए गई थी। तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है कि पुलिसकर्मी आरोपी को काबू करने के लिए उस पर बैठ जाते हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा। ये देखिए कैसे इसके ऊपर ये पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद इस कैदी की मौत हो जाती है। अमेरिका में पुलिस कस्टडी में कैदी की मौत का ये मामला, अब उसका सीसीटीवी जो फुटेज है वो सामने आया है। बताया जा रहा है मेंटल हॉस्पिटल इसको ले जाया जाता है जहां पर वो बेकाबू हो जाता है, जिसके बाद उसे संभालने के लिए ये पुलिसकर्मी उसके ऊपर बैठ जाते हैं और एक दो नहीं बल्कि 8-10 पुलिसकर्मी उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और ये देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी उसके ऊपर बैठे हुए हैं और उसके बाद बताया जाता है कि इस कैदी की जान चली जाती है। तो वर्जीनिया अमेरिका ये घटना और उसमें सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज था वो सामने आया है, जिसके बाद अब सवाल पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस कस्टडी में इस कैदी की मौत हो गई है। ये सभी लोग आप देखिए कैसे उसके ऊपर झुके हुए नजर आ रहे हैं। मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया इस कैदी ने क्योंकि उसके ऊपर ये तमाम पुलिसकर्मी बैठ गए थे।